टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से विस्तार हो रहा है। इंसानों की जगह अब मशीनें लेने लगी हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब कंप्यूटर के विकास ने तकनीकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चिकित्सा से लेकर हथियार तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के इस्तेमाल को एक नया रूप दे दिया है। आज कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस साइंस हो, सभी जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब से कंप्यूटर बना है तब से उसका साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती गई है। आपने ये चीज देखी होगी कि आपके मोबाइल की चिप जो आज से 10 साल पहले केवल 1 GB की होती थी, वही चिप उतनी ही साइज में आज आपको 1 TB की मिल रही है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कंप्यूटर में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। इस प्रगति के समान एक और शोध चल रहा है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं और विशेषज्ञों के अनुसार एक विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है। ऐसा माना जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य का कंप्यूटर है जो कुछ सालों में हमारे घरों और कई तरह के कार्यक्षेत्रों में राज करने वाला है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम सभी को पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है और ये आज के कंप्यूटर से अलग कैसे हो सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको क्वांटम कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्विक सपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्वांटम फिजिक्स के आधारों और नियमों का इस्तेमाल कर डेटा को स्टोर करता है और कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही कठिन कामों को चंद मिनटों में सफलतापूर्वक कर सकता है, जिससे कि आज के जमाने के कंप्यूटर में हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। क्वांटम कंप्यूटर भविष्य का कंप्यूटर है। ये आज के जमाने के कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग है और शक्तिशाली होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है कि मौजूदा कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने या किसी भी तरह के कैलकुलेशन के लिए बाइनरी डिजिट यानी कि बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में रखा जाता है। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं बिट्स के रूप में रहती है। बाइनरी डिजिट का उपयोग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है, जिसके केवल 2 वैल्यू होते हैं, 0 और 1, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इन्हीं बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है और उसके हिसाब से कार्य को पूरा करता है। कंप्यूटर के सर्किट में ट्रांसिस्टर्स लगे होते हैं जो इन बिट्स को पहचान लेते हैं और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर डेटा को सभी पार्ट्स में भेज देते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रन करने के लिए तैयार किया जाता है, उसे कंप्यूटर में लोड करने के बाद प्रोसेसर उसे फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझकर टास्क पूरा करता है। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की जगह पर क्वांटम डिजिट का इस्तेमाल होता है। क्वांटम डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में क्यूबिट्स कहा जाता है। कॉमन कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले बिट की एक बार में सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो एक बिट की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, लेकिन क्यूबिट की वैल्यू एक ही बार में 0 और 1 से भी ज्यादा हो सकती है। क्यूबिट एक ही समय में 3 तरह की वैल्यू होल्ड कर सकता है, या तो एक क्यूबिट की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, या तो फिर 0 और 1 दोनों ही एक साथ होगी। इसका मतलब ये है कि क्यूबिट में एक साथ 4 वैल्यू रह सकती है। यही खूबी क्वांटम कंप्यूटर को खास बनाती है, साथ ही इसकी क्षमता और स्पीड भी दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले ज्यादा होती है। क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर के मुकाबले कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी बड़ी ही आसानी और तेजी से कर सकता है। अब हम जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करता है। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर चिप के स्थान पर परमाणुओं एटम्स का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में उस वक्त आया जब उन्होंने समझा कि परमाणु प्राकृतिक रूप से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर है। साइंस के अनुसार कोई भी एटम प्राकृतिक रूप से घूमता रहता है। जिस तरह से एक मैग्नेटिक कंपास में सुई घूमती रहती है, ठीक उसी तरह यह एटम जो स्पिन होता है, ये या तो ऊपर की तरफ होता है या फिर नीचे की तरफ होता है। ये डिजिटल तकनीक के साथ खूब मेल खाता है जो प्रत्येक डेटा को 1 या 0 की श्रेणी में प्रस्तुत करता है। किसी एटम का ऊपर जाने वाला स्पिन 1 हो सकता है और नीचे जाने वाला स्पिन 0 हो सकता है, लेकिन अगर एटम के स्पिन का मापन किया जाए तो ये एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। इसी वजह से ये साधारण कंप्यूटर के बिट के बराबर नहीं होता, ये कुछ अलग है, जिसे वैज्ञानिकों ने इसे क्यूबिट का नाम दिया है, जो एक ही बार में 0 और 1 दोनों ही वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 40 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड आज के वर्तमान सुपर कंप्यूटर्स के बराबर होगी और ये आज के सुपर कंप्यूटर्स से कहीं ज्यादा तेजी से डेटा की गणना कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित होता है। क्वांटम कंप्यूटर में जिन क्यूबिट्स का उपयोग होता है उनके अंदर इतनी मात्रा में ऊर्जा भरी होती है कि इसे कुशल बनाने के लिए ज्यादातर क्यूबिट्स को 0 के तापमान में ठंडा करके रखा जाता है, जो कि अंतरिक्ष के तापमान से भी ठंडा हो जाता है। अगर इन क्यूबिट्स का तापमान 0 से भी कम नहीं हुआ तो ये काम कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं।
इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोग्रामिंग का काम थोड़ा अलग तरीके से होता है, जिसे बनाना बहुत जटिल काम होता है। और अब हम जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का भविष्य क्या है। आज की 21वीं सदी में क्वांटम कंप्यूटर को लेकर लोगों की काफी सारी उम्मीदें हैं। जब से कंप्यूटर अस्तित्व में आया है, लगातार शक्तिशाली ही बनता जा रहा है। इसीलिए किसी को तेजी से कार्य करने वाला कंप्यूटर तो चाहिए, तो किसी को शक्तिशाली कंप्यूटर चाहिए। हालांकि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्वांटम कंप्यूटर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए ऐसे एडवांस्ड टूल्स और जटिल एल्गोरिदम्स की आवश्यकता है, जो फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। एक बार क्वांटम कंप्यूटर बन गया तो यह किसी भी टास्क या एप्लीकेशन को चंद सेकंड में खोल करके अपना काम करके हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन इसके एल्गोरिदम्स को बनाना इतना आसान नहीं है। एक तो इसे बनाने में कड़ी मेहनत लगती है और साथ ही इसे बनाने में काफी समय भी लगता है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर को बनने में कितना समय लगने वाला है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जिससे इसे बनाने में काफी मदद मिल सकती है। क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि इसकी संभावनाएं पहचान चुकी कंपनियां इस पर अपना पैसा लगा रही है। गूगल, IBM, इंटेल और माइक्रोप्रोसेसर जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर की दिशा में शोध कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र जितना अहम है, उसकी तुलना में इस क्षेत्र में कुशल लोगों की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 1000 से भी कम लोग ऐसे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग में शोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर तकनीकी के जरिए हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, साइंस, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में बहुत से बदलाव लाने की काबिलियत रखता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से क्वांटम कंप्यूटर क्या है और ये कैसे कार्य करता है और भविष्य में इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाएगा, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।